डीएलएड कॉलेज की जो सीटों में वो बढ़ोतरी हो चुकी है। दो नए जो महिला जो कॉलेज है वो यहाँ पर ऐड किए गए और 200 सीटों को बढ़ोतरी की गई है। 200 सीटों पर सिर्फ और सिर्फ महिला जो है उनको मिलेगा प्रवेश, यानी जो है छात्राओं के लिए जो यहाँ पर अच्छी खबर है, उनको जो है 200 सीटें जो है अतिरिक्त जो है आवंटित कर दी गई है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं प्री डीएलएड परीक्षा का जो यहाँ पर जो रिजल्ट है वो काफी समय पहले आ चुका था, लेकिन यहाँ पर प्रथम चरण का जो आवंटन है, ठीक है, प्रथम चरण का आवंटन हो चुका है, लेकिन उसकी जो अपवर्ड मूवमेंट की जो अभी जो है प्रक्रिया है वो अभी भी प्रक्रियाधीन है, अभी भी जो है उसको कंप्लीट नहीं हुई है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपवर्ड मूवमेंट के रिजल्ट को लेकर। तो अपवर्ड मूवमेंट का जो रिजल्ट है वो अब जो है यहाँ पर 14 मार्च के बाद ही जारी होगा। अब उससे पहले जारी होने का कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 200 सीटों पर अब जो दो जो नए कॉलेज एड किए गए उनमें भी यहाँ पर जो यहाँ पर छात्रा अपने या फिर जो भी छात्रा है वो अपने कॉलेज को यहाँ पर भरना चाहती है, दो वो जो नए कॉलेज ऐड हुए उनको भरना चाहती है, तो वो काउंसलिंग के दौरान वो संशोधित कर सकती है। उसकी जो अंतिम जो तिथि है वो 14 मार्च बढ़ा दी गई है, यानी 14 मार्च तक वो अपने अपवर्ड मूवमेंट के लिए जो कॉलेज चेंज कर सकती है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर समझेंगे जो 200 सीटें वो बढ़ोतरी हुई है, जो दो नए जो कॉलेज है वो सिर्फ और सिर्फ छात्राओं के लिए, यानी सिर्फ और सिर्फ महिला वर्ग के लिए है, यानी महिलाओं के लिए अच्छी अपडेट है कि उनको 200 सीटें जो एक्स्ट्रा मिली है और इसलिए उनकी जो कट ऑफ है वो काफी कम रहेगी और उनको जो चांसेस है कि उनको जो है मौका मिल पाएगा, सेकंड जो यहाँ पर काउंसलिंग का जो रिजल्ट आएगा उनमें उनका नाम आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे काउंसलिंग का रिजल्ट कब आएगा और यहाँ पर जो अपडेट है काउंसलिंग का जो संशोधित जो शेड्यूल जारी हुआ है, अब जो है 14 मार्च तक बढ़ोतरी हो चुकी है, तो क्या काउंसलिंग का रिजल्ट अब मार्च के एंड में आएगा या फिर क्या मार्च में नहीं आएगा और अभी जो है कितनी सीटें हैं। तो सबसे पहले अब इस जो सीटें के बारे में, तो 377 डीएलएड कॉलेज हो चुकी है, कुल 377 डीएलएड कॉलेज है और उनमें यहाँ पर 4,757, ठीक है, पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि सीटों में बढ़ोतरी जरूर होगी, लेकिन कितनी होगी किस में होगी ये मैंने आपको क्लियर नहीं किया था। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफिशियली क्लियर है, कल के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 4,757 कुल सीटें हैं और यहाँ पर अब जो है यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं, अब किसी भी प्रकार के सीटों में बढ़ोतरी नहीं होगी, अब सीधा जो है यहाँ पर 14 मार्च के बाद सेकेंड काउंसलिंग का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। कब डिक्लेयर किया जाएगा इस वीडियो में आप सभी को क्लियर करने वाला हूं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर